नमस्कार दोस्तों, UPPCS स्पेशल क्लासेस लखनऊ के YouTube चैनल जनरल स्टडीज प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। अभी लास्ट सीरीज जो हमने ख़त्म की है उसमें हमने पॉलिटी के 20 साल के PCS प्री के क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व किया, उसका व्याख्यात्मक हल देखा। तो उसके बाद अब आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास या जिसको UPPCS के सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से पूरा एक अलग से सेगमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है UPPCS या UPPSC के जितने एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि अगर हम देखें क्वेश्चंस को तो प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास इनके ठीक बराबर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब 50% में प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चन होते हैं, और इतिहास का आधा सेगमेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसके बारे में हमको एक सामान्य जानकारी पहले से होती है, और इसमें नंबर स्कोर करना भी आसान है, इसलिए आज अब हम पहले इसी सीरीज पे स्ट्राइक करेंगे। तो इसमें भी 5-5 साल के क्वेश्चंस लेते जाएंगे, 20 साल पूरा करना है। उसके बाद जो है समीक्षा अधिकारी, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का भी पेपर जल्दी होने की संभावना है 2-3 महीनों के अंदर, तो समीक्षा अधिकारी के भी जितने अब तक क्वेश्चन आए हैं वो भी इसी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, तो 1995 जो है से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुना गया प्रथम सत्याग्रही कौन था। तो जैसा कि जानते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था ये 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ किया गया था, और इसमें प्रथम सत्याग्रही जो थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, लेकिन अगर कई क्वेश्चन आ जाता है कि द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तो द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दोनों चीज़ जानना कि प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, तो इसमें प्लेस पूछा था कहाँ पर हुई थी, तो ढाका में एक अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे वकार उल मुल्क। तो इनकी अध्यक्षता में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसको मुस्लिम लीग कॉमनली बोलते हैं। तो ये 1906 में हुआ था। तो अगर कभी इसका पूछा जाता है कि कौन लोग इसके संस्थापक सदस्यों में थे, तो इसमें 5 लोग का नाम प्रमुख है जो मुस्लिम लीग की स्थापना के से संबंधित समझे जाते हैं। तो एक वकार उल मुल्क जो मैंने बताया वो तो अध्यक्ष ही थे 1906 में जब अधिवेशन हुआ ढाका में। फिर ख्वाजा सलीमुल्ला आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्ला आगा खां, सैयद आमिर अली और सैयद नबीबुल्ला, तो ये 5 व्यक्ति थे जो प्रमुख लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना के संस्थापक सदस्य माने जाएंगे। और फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसंबर 1908 में अमृतसर में सम्पन्न हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है 1908 में जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था सर सैयद इमाम ने की थी। तो पहली सर सैयद इमाम जो है पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन में आगा खां को जो संस्थापक सदस्यों में से एक थे मुस्लिम लीग को, उनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था मुस्लिम लीग का। तो ये मुस्लिम लीग पे पूरा हो गया, इसमें काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आगे मिलेंगे। फिर बंगाली देशभक्ति की बाइबिल
किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है? तो आनंदमठ जो है बंकिम चंद चटर्जी द्वारा रचित आनंदमठ, इसको बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है। आनंदमठ से एक और क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट आता है कि आनंदमठ की कथा वस्तु या विषय वस्तु क्या है? तो जो बंगाल में प्रसिद्ध सन्यासी आंदोलन हुआ था, सन्यासी आंदोलन जो है धार्मिक करों, जो अंग्रेजों द्वारा धार्मिक तीर्थयात्रा पे कर लगाए गए थे उनके विरुद्ध सन्यासियों ने विद्रोह किया था, तो वो आनंद मठ की विषय वस्तु उसी पर आधारित है और ये बंकिम चंद चटर्जी द्वारा लिखी गई। तो इस पुस्तक का इतना महत्व है मतलब बंगाली भाषा में कि इसको बंगाली भाषा या बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मध्य मार्गी नहीं था? तो मध्य मार्गी का पहले अर्थ समझते हैं। मध्य मार्गी का मतलब ये होता है जो उदारवादी नेता नहीं थे। कांग्रेस के बहुत से नेता जो उदारवादी थे, लेकिन कांग्रेस का जब सूरत विभाजन हुआ था तो उसमें गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गई थी। तो जो गरम दल के लोग थे उसमें प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो इनको पाल बाल कहते हैं, बाल पाल लाल तीन नामों से जाने जाते हैं। तो ये सब जो है गरम पंथी थे, यानी ये मध्यमार्गी नहीं थे। तो इसमें जो ऑप्शंस थे उसमें बाल गंगाधर तिलक का नाम था। तो बाल गंगाधर मध्यमार्गी या उदारवादी नेता नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये कौन सा अधिवेशन था? मद्रास अधिवेशन हुआ था 1887 में। 1887 में मद्रास अधिवेशन जो हुआ था उसमें बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष चुना गया था और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। फिर इनकलाब जिंदाबाद, ये बहुत प्रसिद्ध नारा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, ये तो वेल नोन है। और इसको लिखा किसने था कहीं ये पूछा जाए तो मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दरी, मोहम्मद इकबाल जो लेखक थे तो उन्होंने अपनी पुस्तक बंग ए दरी में पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था, परंतु इसको नारे के रूप में प्रयोग किया था भगत सिंह जी ने। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया तो उसका क्या कारण था? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान में जो है, ये बहुत फेमस कांड है आप सभी लोग जानते हैं, चौरा चौरी में जो है एक पुलिस चौकी को प्रदर्शन के दौरान जो है कुछ भारतीय लोगों ने आग लगा दी थी तो उसमें कई पुलिस वाले जो है मर गए थे। तो उससे गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने 1922 में जो है, जो 1920 में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था उसको 1922 में 5 फरवरी 1922 की घटना के कारण वापस ले लिया और इसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। फिर महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। और ये संबोधन कहाँ दिया उन्होंने? जो उनका आज़ाद हिंद फौज का खुद का रेडियो चैनल था तो आज़ाद हिंद रेडियो पर उन्होंने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं और आर्य समाज पूरा वेदों पर ही आधारित है, वेदों की शिक्षा को मानने और वेदों के ही प्रचार प्रसार पर आधारित है। इनका आर्य समाज मतलब स्वामी विवेकानंद जी का प्रसिद्ध नारा भी है कि वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ही जाता है। आर्थिक दोहन का सिद्धांत, ये बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने अपनी बहुत फेमस बुक लिखी थी इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में प्रकाशित हुई थी। इसमें दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि किस तरह से ब्रिटेन जो है भारतीय कच्चे माल को अपने यहाँ ले जाता है सस्ते दामों पर, वहाँ से उन ब्रिटेन में उन मिलों में
उसको आप उस उत्पाद तैयार किए जाते हैं और उसको आकर इंडिया में 3-4 गुने दामों में बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार जो भारतीय संपदा है, भारतीय संपत्ति है, उसका ब्रिटिश किस तरह से लगातार दोहन कर रहे हैं, इसका इन्होंने आर्थिक दोहन का सिद्धांत दादा भाई नरोजी ने प्रस्तुत किया था। फिर सुमेलन करना है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी की एक बहुत प्रसिद्ध नीति व्यपहरण का सिद्धांत, या जो है जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे, इसमें जिन राजाओं या रियासतों के जो राजा थे उनके अगर अपनी खुद की कोई संतान नहीं होती थी तो उनको गोद लेना मना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बिना अनुमति लिए वो किसी को भी गोद ले नहीं ले सकते थे अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता तो। तो ये लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के अंतर्गत उस राज्य का जो है ब्रिटिश सरकार जो है अधिग्रहण कर लेती थी। तो इस नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। और इसमें सबसे पहले सतारा को अधिग्रहण किया गया था, फिर लास्ट में झांसी और अवध, जो फिर 1857 की क्रांति के मुख्य कारणों में से भी जो है व्यपहरण का सिद्धांत है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा के निषेध से संबंधित हैं, इन्होंने सती प्रथा पर जो है निषेध लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा पर निषेध। फिर एक वायसराय या गवर्नर जनरल जो हैं वो लॉर्ड रिपन हुए हैं, ये स्वायत्त शासन की शुरुआत की थी इन्होंने। स्वायत्त शासन का अर्थ ये हुआ कि स्थानीय शासन को इन्होंने प्रारंभ किया था, जैसे नगर निगम और नगर पालिकाएँ आज की डेट में हैं, तो उसी तरह के प्रशासन की शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो इनको स्वायत्त शासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड विलियम। लॉर्ड कर्जन 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन ही उस समय जो है वायसराय थे, तो बंगाल के विभाजन में इनका प्रमुख रोल था जो है। फिर 1996 में लेते हैं पहला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण। तो पहली रेल लाइन जो भारत में निर्माण की गई थी बम्बई से थाड़े के बीच चली थी, इसकी कुल लंबाई 34 किलोमीटर थी और ये 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है इसका नींव डाली गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी इससे जुड़े हुए हैं भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण, और ये बम्बई से थाड़े के बीच 1853। इसके बाद अगली लाइन जो है अगले वर्ष यानी 1854 में जो है कोलकाता में रानीगंज से तक बिछा दी गई थी। फिर महाराष्ट्र में गणपति पर्व जो है बहुत फेमस है, आज भी मनाया जाता है परंपरागत रूप से, का श्री गणेश किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में महाराष्ट्र में बाल गणपति पर्व का जो है प्रारंभ किया था। ये 1893 है, ये भी मतलब स्मरणीय तथ्य है यहाँ पर। फिर 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं है? तो ऊधम सिंह, जो इनका भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में सम्मानित नाम है ऊधम सिंह का, तो ये 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं। ऊधम सिंह का जो नाम इतिहास में प्रसिद्ध है उसके प्रमुख कारण ये है कि 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उसके लिए जिम्मेदार सैनिक अधिकारी जनरल डायर था, तो जनरल डायर को जो है ऊधम सिंह ने लंदन में या इंग्लैंड में जाकर जो है गोली मार दी थी और उनकी हत्या कर दी थी, तो इसलिए ऊधम सिंह का नाम प्रसिद्ध है। लेकिन ये 1857 की क्रांति के बहुत बाद की घटना है, इसलिए इनका 1857 के विद्रोह से कोई भी संबंध नहीं है। फिर सुमेलित करना था, उसमें कई सारी दिए हुए थे, तो 1930 के आगे असहयोग आंदोलन लिखा है। तो असहयोग आंदोलन आप जानते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था, इसलिए ये गलत है। बाकी अन्य ऑप्शन भी बता देता हूँ, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये बिल्कुल सही है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1909 में मांटो मिर्लो सुधार जैसा आप जानते हैं, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है प्रारंभ किया गया था। तो अगर सुमेलित नहीं है तो असहयोग आंदोलन, क्योंकि ये 1930 में ना कर 1920 में हुआ था। फिर महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था कि जो सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रेडियो संदेश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था।
जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ने प्रस्ताव पारित किया था भारत छोड़ो का, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1942 या भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित जब हुआ था अगस्त 1942 में, तो उस समय कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम। और मौलाना अब्दुल कलाम जो है 1940 से 46 तक लगातार जो है अध्यक्ष रहे हैं। ये भी यहाँ पर नोटेबल पॉइंट है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1946 तक लगातार अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, और अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था गांधी जी और एक लॉर्ड इरविन के बीच, क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी वो बहुत ही तीव्र गति पर चल रहा था उस समय, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लगभग लगभग असफल रहा था और उसका बहिष्कार किया था जो है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के नेता जाएं, विशेषकर गांधी जी जाएं, इसलिए इरविन ने जो है आकर उनसे समझौता किया, और लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ 1931 5 मार्च को। इसमें इसी समझौते के बाद गांधी जी द्वितीय में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। फिर स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन 1922 में हुआ था, किन लोगों द्वारा किया गया था? तो उस समय सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ये प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था, और इसकी पृष्ठभूमि बता दूं मैं कि स्वराज पार्टी बनी क्यों थी, क्योंकि आपने देखा कि 5 फरवरी 1922 को जब चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो जो उस समय कांग्रेस के अन्य सीनियर लीडर्स थे जिसमें सी आर दास और मोतीलाल नेहरू वगैरह भी थे, तो इनको लगा कि जो है ये भारतीय जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया गांधी जी के अचानक आंदोलन वापस लेने के कारण, क्योंकि आंदोलन अपने चरम पर था और ऐसा लग रहा था कि उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बहुत अधिक दबाव पड़ जाएगा। लेकिन गांधी जी के अचानक आंदोलन को वापस ले लेने के कारण जो है भारतीय जनता में निराशा छा गई, और उससे कई कांग्रेस के लोग बहुत नाराज़ हो गए थे, उसमें मोतीलाल नेहरू और सी आर दास प्रमुख थे। तो इन्होंने असंतुष्ट होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था 1922 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जहाँ भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसका मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य कब घोषित किया? तो दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसी अधिवेशन में, मतलब लाहौर अधिवेशन 1929 में, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। उसके पहले कांग्रेस द्वारा डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती थी, लेकिन 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और वहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1927 को मुंबई पहुंचा था, और साइमन कमीशन में को बनाने की घोषणा जो है 8 नवंबर 1927 को की गई थी, और ये 3 फरवरी 1928 को, पर यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, तो ये 3 फरवरी 1927 को इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन भारत कब आया था? ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था, भारत में मुंबई पहुंचा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये सभी लोग जानते हैं कि यही प्रथम अधिवेशन था, इसी में इसकी स्थापना हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में के ग्वालिया टैंक मैदान में, सॉरी, बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था प्रथम अधिवेशन, और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता ब्योमेश चंद बनर्जी द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना 10 सितंबर 1928 को की गई थी। इसकी डेट भी इम्पॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में की गई थी। इसमें उस समय भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद और बाकी अन्य समाजवादी जो नेता थे उन्होंने प्रतिभाग किया था। खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम था? तो जो खिलाफत आंदोलन था इसको गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन जो चला, जो खलीफा को हटाए जाने के खिलाफ जो है भारत में भी चलाया गया था, तो उसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, क्योंकि इसमें जो है गांधी जी ने भी अपना सहयोग किया था। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस भी जो है खिलाफत आंदोलन के समर्थन में थी। फिर नीचे ही कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनका कालक्रम लिखना था। तो चंपारण आंदोलन सबसे पहले आएगा, ये 1917 में हुआ था। चंपारण में नील किसानों के सहयोग के लिए चंपारण आंदोलन हुआ। फिर असहयोग आंदोलन जो है 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। डांडी मार्च महात्मा गांधी जी द्वारा 1930 में किया गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त में हुआ था। तो इस तरह से ये सही इसकी क्रम बन गया है। चंपारण आंदोलन 1917, असहयोग आंदोलन 1920, डांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। फिर स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक या स्थानीय स्वायत्त शासन किसकी देन है? तो लॉर्ड रिपन की देन है, जिसने स्थानीय शासन को भारत में शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम ये किसके द्वारा इसका संपादन किया जाता? तो अरविंद घोष जो है, जो भारतीय राजनीति में 1906 में आए थे, उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका का प्रथम संपादन किया था। मतलब वंदे मातरम पत्रिका की नींव उन्होंने ही डाली थी। उसके अलावा इनकी भी और भी बहुत सी प्रसिद्ध जो है रचनाएं हैं, जैसे लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, मोर ऑन योगा और द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ये सभी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, जितने भी मैंने अभी नाम लिए तो ये आगे मिलेंगे। इनमें से लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसका कौन लेखक थे, तो अरविंद घोष उसके भी लेखक हो जाएंगे। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो पास किया गया था, इसमें क्या था, मतलब इसका विषय वस्तु क्या थी? तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। इसमें मुस्लिमों को और कुछ अन्य अल्पसंख्यक जैसे सिखों को भी जो है पृथक निर्वाचन का जो है वो दे दिया गया था, कि इनके लिए जो है निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रहेगा। यहीं से माना जाता है कि भारत में जो है हिंदू मुस्लिम के बीच जो है फूट डालने का ये प्रथम प्रयास था, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को जो है मॉन्टो मिर्लो रिफॉर्म्स या मॉन्टो मिर्लो सुधार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें मॉर्ले मिंटो जो है, ये दोनों मॉर्ले और मिंटो जो है जो थे उस समय, एक वायसराय थे, एक जो है भारत सचिव थे, दोनों का ने संयुक्त रूप से इसको बनाया था। फिर पूना पैक्ट या पूना समझौता किससे संबंधित? तो ये दलित वर्ग से संबंधित था, और ये पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। 26 सितंबर 1932 को हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। इसमें भी पृष्ठभूमि ये थी कि जो भीमराव अंबेडकर थे, ये दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, कि जो भारत का दलित वर्ग है उनको, उनके लिए चुनावों में जो है और पृथक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाएं। लेकिन महात्मा गांधी जी द्वारा जो है इसका विरोध किया गया। उन्होंने कहा ऐसा करने से जो है दलित वर्ग जो है भारतीय समाज से कट जाएगा। तो बाद में
26 सितंबर 1932 को जो है पूना में एक समझौता हुआ महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, जो पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसकी डेट भी इम्पॉर्टेंट है, 26 सितंबर 1932। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कांग्रेस के एक सीनियर लीडर बाद में बने, एसएन बनर्जी, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय यानी 1985 में ये वहाँ पर प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। इसका कारण ये है कि 1883 में एक संस्था बनी थी इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन के ही अधीन एक संस्था अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, मतलब ये इंडियन एसोसिएशन जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की ही संस्था थी, तो इसका अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो है का दिसंबर 1885 में ही आयोजित हुआ, और ये एक ही समय था क्योंकि दिसंबर 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था, और उसी समय अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसमें उपस्थित हुए थे, इस कारण वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना वाले सम्मेलन में उपस्थित नहीं रह सके थे। लाल बाल और पाल त्रिगुट में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो लाला लाजपत राय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस का जो कोलकाता में एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें उसकी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और बाल गंगाधर तिलक भी 1918 के दिल्ली अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन वो उनके ऊपर एक मानहानि का मुकदमा चल रहा था, तो उसकी वो पैरवी में व्यस्त थे, उसी कारण जो है वो उपस्थित नहीं हो सके थे। तो उस समय मदन मोहन मालवीय ने उस 1918 दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि लाल बाल पाल इनमें तीन में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, तो इसमें से लाल यानी लाला लाजपत राय जो है 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे। फिर समाचार पत्र और उनके संपादकों के बारे में सुमेलन वाला क्वेश्चन है, तो हिंदू समाचार पत्र जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो आज भी चल रहा है पेपर जो है द हिंदू नाम से, तो ये हिंदू वही है, हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा संपादित किया गया, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का समाचार पत्र था, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का था, वॉइस ऑफ इंडिया ये दादा भाई नेहरोजी द्वारा निकाला गया था, वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र दादा भाई नेहरोजी संबंधित था, बंगाली ये बंगाली भाषा में था, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इसको का संपादन किया गया था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्राप्त हुई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 का था, उसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो है गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाते हुए गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी, जिस प्रकार से आज की डेट में राष्ट्रपति को जो शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, उसी प्रकार की शक्ति थी वो। फिर अगला क्वेश्चन है सुमेलन की, मतलब ये कुछ प्रमुख घोषणाएं और प्रस्ताव हैं उनसे संबंधित व्यक्ति कौन था जो है, तो अगस्त घोषणा, तो ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो था उससे संबंधित है। इसमें क्या हुआ था कि भारत प्रशासन में भारतीयों को की भागीदारी को बढ़ाने की घोषणा इन्होंने की थी मॉन्टेग्यू द्वारा, कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, मतलब जो प्रांतीय विधानसभाएं और केंद्रीय उस समय वो थी विधानसभा, उनमें जो है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। फिर अगस्त प्रस्ताव, ये लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया गया था, इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई थी, और नए संविधान के निर्माण के लिए इसमें कहा गया था कि भारतीयों के लिए नए संविधान का निर्माण किया जाएगा। फिर अगस्त संकल्प, ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है, इसके तहत उन्होंने 1 अगस्त 1933 को, अगस्त संकल्प का अर्थ है ये है कि 1 अगस्त 1933 को उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी थी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब खत्म हो गया था,
जब गांधी इरविन समझौता हो गया था 1932 में, उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है महात्मा गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया और वहाँ पर वार्ता असफल रही, फिर गांधी जी ने 1 अगस्त 1933 को पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी करने की घोषणा की गई थी, तो इसी घोषणा को अगस्त संकल्प कहते हैं। फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मनाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि कैबिनेट प्रस्ताव जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन ने जिस तरह से मतलब जिन्ना के हिसाब से उन मुस्लिमों को ज़्यादा वरीयता नहीं दी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है कैबिनेट मिशन का प्लान हमको मंजूर नहीं है। तो इसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। फिर मुस्लिम लीग के का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, जो मैंने अभी सेकेंड क्वेश्चन में बताया था कि आगा खां मुस्लिम लीग के सेकेंड अध्यक्ष थे, और अमृतसर में इनको 1908 में पहला अधिवेशन जो हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें अध्यक्ष चुना गया था। और इनका आगा खां को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, मतलब ये 1908 से 1913 तक लगातार अध्यक्ष बने रहे मुस्लिम लीग के। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है एक उत्कृष्ट पत्रकार भी थे, तो 1883 में इनको जेल हुई थी पत्रकार होने के नाते। उस समय जो प्रेस के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक को जो है जेल जाना पड़ा था। ये 1883 की घटना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका सीधा सा उत्तर हो गया कि राजेंद्र प्रसाद जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इसका बैकग्राउंड ये है कि सुभाष चंद्र बोस को 1938 और 1939 दोनों सेशन जो कांग्रेस के हुए उसके लिए अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी जिसे सुभाष चंद्र बोस के वैचारिक मतभेद थे कुछ जो है, और महात्मा गांधी जी ने पट्टाभ सीतारमैया का समर्थन किया था अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन उनको हराते हुए सुभाष चंद्र बोस ने ज़्यादा मत प्राप्त किए थे और निर्वाचित हो गए थे। लेकिन फिर अंतर विरोध के कारण जो है अंततः उन्होंने कांग्रेस के की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ये हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में था उसके बाद की बात है। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया, तो राजेंद्र प्रसाद को 1939 के जो अधिवेशन हुआ था उसके लिए अध्यक्ष चुना गया था, और इसी त्यागपत्र देने के बाद 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अपनी पार्टियाँ अलग बना ली थी। फिर आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक हैं वो सबसे पहले मोहन सिंह थे, उन्होंने इसका विचार दिया था मोहन सिंह, और बाद में आज़ाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस भी प्रमुखता से जुड़े और उन्हीं ने जो है इसको विस्तृत स्वरूप प्रदान किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में चल रहा था, उस समय उषा मेहता महिला नेता थी कांग्रेस की, बहुत ही एक्टिव, तो उन्होंने उस समय कांग्रेस के एक रेडियो का प्रसारण किया था, और रेडियो के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार करती थी जो है। फिर 1998 में देखते हैं, महाराष्ट्र में घटित घटना कौन सी थी? तो जो ऑप्शन थे उनमें भील विद्रोह जो हुआ था, ये उस तत्कालीन मुंबई प्रेसिडेंसी में हुआ था 1817 से, और मुंबई में जो उस समय भू राजस्व की बंदोबस्त प्रणाली या लागू थी, मतलब एक तरह से सीधा सीधा कर कहें तो किसानों पे जो कर था उसकी वजह से जो जनजाति वहाँ की थी भील, उन्होंने विद्रोह किया था। तो ये 1817 से 1825 तक जो है
महाराष्ट्र में चला था। फिर स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू 1-1-1923 को ये गठन हुआ था, मतलब 1922 में ही जब गांधी जी ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था उसके बाद जो है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो खान बहादुर 1857 में इन्होंने बरेली में नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का खान बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलन संबंधित था, तो इसमें एक था कि लॉर्ड कैनिंग के सामने उच्चतम निष्क्रियता जो है एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी रही है उस समय बहुत फेमस, तो ये लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं थी, ये जॉन लॉरेंस से संबंधित थी। इसका उच्चतम निष्क्रियता का सीधा सा जो अर्थ है वो ये है कि जॉन लॉरेंस ने ये पॉलिसी अपनाई थी कि हम भारतीय जो राजाओं या राजपूत है, राजा हैं जो भी भारतीय राजघराने, उनके प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे सीधे तौर पर, तो इसी को उसने उच्चतम निष्क्रियता का जो है नाम दिया था, जॉन लॉरेंस की पॉलिसी थी ये लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है। आनंद मठ की कथा वस्तु ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, मैंने ऊपर ही बताया आपको कि आनंद मठ जो है बंकिम चंद चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो बंगाल के प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। कथन और कारण दिया है, कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना कब आई थी, 1946 में, लॉर्ड माउंटबेटन इसके रचयिता थे, को स्वीकार किया, तो ये कथन सत्य। कांग्रेस ने चूंकि कोई भी फार्मूला फिट नहीं हो रहा था तो उसमें पृथक का भारत और पाकिस्तान का प्रस्ताव भी था लॉर्ड माउंटबेटन योजना में, तो ये कांग्रेस द्वारा जो है उसको स्वीकार कर लिया गया था। कारण, वह द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मानती है, तो ये कारण असत्य है क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी भारत पाकिस्तान बनाने का समर्थन इससे पहले नहीं किया था, वो हमेशा जो है पृथक राष्ट्र का विरोध में थी, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियाँ थी 1946 की, तो उस समय कांग्रेस को जो है माउंटबेटन योजना को अपनी स्वीकृति देनी पड़ी थी। तो इस प्रकार कथन सही है परंतु कारण गलत है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा जो आज के झारखंड में प्लेस पड़ता है, उस समय तत्कालीन बिहार से संबद्ध स्थान था, तो बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह का नेता था। फिर नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक का क्या नाम है, हिंदू पैट्रियट एक प्रमुख जो है पत्रिका थी उस समय, समाचार पत्र, तो हरीशचंद्र मुखर्जी द्वारा इसका संपादन किया जाता था। तो हिंदू पैट्रियट में नील आंदोलन जो किसानों द्वारा बंगाल में चलाया गया था उसका जो है जमकर समर्थन किया जा रहा था, और उस आंदोलन का को बहुत विस्तृत स्वरूप प्रदान करने में हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र का प्रयास सराहनीय रहा, तो हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे। नील आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, नील आंदोलन बंगाल में चला 1859 से 60, मतलब 59-60 में नील आंदोलन चला, और इसके जो दो प्रमुख नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इनके नेतृत्व में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में ये शुरुआत हुई थी। वहाँ जो नील के कृषक थे उन्होंने जो अंग्रेजों द्वारा उनसे ज़बरदस्ती खेती कराई जाती थी और बहुत अधिक जो है उसका लगान लिया जाता था, कर लिया जाता था, तो उसके विरुद्ध जो है ये नील आंदोलन बंगाल में चलाया गया था। स्वराज मेरा जन सिद्ध अधिकार है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, उसका ये पूरा कथन ये है कि स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा व्यक्त किया गया था लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। स्वराज से संबंधित एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग, ये
स्वराज की मांग पहली बार कांग्रेस द्वारा कब की गई थी? तो अगर ये आता है तो दादा भाई नौरोजी जब 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने सबसे पहले स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा था 1906 में। फिर इसके बाद 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज की मांग की गई थी। फिर ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित कुछ बहुत प्रमुख घटनाएं हैं, उनका कालानुक्रम से लगाना है। तो होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग जो चलाया गया ये 1916 में चलाया गया। होम रूल लीग उस समय दो तरह के थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का अलग अलग था। तो बाद में दोनों कंबाइंड होकर एक साथ चला भारत में। तो 1916 में होम रूल आंदोलन प्रमुखता से चला। फिर असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1920 में चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी द्वारा 1930 में चलाया गया, जिसके अंतर्गत तो उन्होंने दांडी मार्च किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन ये भी गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था 1942 में अगस्त में। तो इस तरह से ये कालानुक्रम उसका, होम रूल आगे 1916, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। थोड़ा सा मैं बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें ईयर और डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और लगभग हर क्वेश्चन में ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको उससे संबंधित ईयर और डेट जो है ज़रूर पता हो। किन रजवाड़ों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो जब 1947 में भारत संघ बन रहा था उस समय जो है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये तीन ऐसी रियासतें थीं जो स्वेच्छा से भारतीय संघ में नहीं शामिल हो रही थीं। तो इनमें से कुछ को सैनिक कार्रवाई द्वारा जो है भारतीय संघ में जोड़ा गया था, जिसमें सरदार पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे उनकी बहुत ही प्रमुख भूमिका रही थी। तो तीन रियासतें या भारतीय रियासतें जो थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये सबसे आखिरी में भारतीय संघ में शामिल हुई थी। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो है सबसे पहले स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एमपी थे। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एमपी थे, और ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये प्रोविजन किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? तो महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जो पत्रिका प्रकाशित की गई उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। फिर आगे देखते हैं कुछ किसान आंदोलन के नेताओं के नाम दिए हैं और वो किस क्षेत्र में उनका जो आंदोलन प्रभाव क्षेत्र रहा, मतलब तो उसके बारे में बताना है। तो सहजानंद सरस्वती द्वारा जो किसान आंदोलन शुरू किया गया था वो बिहार उनका क्षेत्र था, सहजानंद सरस्वती बिहार। फिर खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन जिसे कहते हैं, तो NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हिंदी में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ये उस समय प्रांत था जो मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित ही है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को लेते हुए प्रांत था। तो इसमें खुदाई खिदमतगार जो है ये आंदोलन चलाया गया था, और स्वामी रामानंद जो द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो हैदराबाद में चलाया गया, स्वामी रामानंद द्वारा हैदराबाद में, और अब्दुल हमीद खान द्वारा दक्षिणी असम में आंदोलन चलाया गया था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, तो इसका एक प्रमुख कारण ये था कि फ्रांसीसियों के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी उस समय अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों की फौज अत्यधिक शक्तिशाली थी और इनके पास जो है साजो सामान मतलब अस्त्र शस्त्र जो है अत्याधुनिक थे, इसलिए फ्रांसीसी जो है दक्कन पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाए, वहाँ पर अंग्रेजों ने इनको हमेशा चुनौती दी। फिर अगला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत जो एक क्रांतिकारी संगठन था इसकी स्थापना किसने की? तो बीडी सावरकर ने इसकी स्थापना की।
अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने की। इसका थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड ये भी है कि 1899 में नासिक में एक संस्था स्थापित हुई थी मित्र मेला, इसको इसी का नाम 1907 में अभिनव भारत रख दिया गया था। अभिनव भारत 1907 में इसका नाम रखा गया और इसके संस्थापक थे एक तो बीडी सावरकर हो गए, विनायक दामोदर सावरकर, और दूसरे थे इनके सहयोगी गणेश सावरकर। तो दोनों में से किसी का भी नाम आएगा तो अभिनव भारत के संस्थापकों में दोनों को माना जाएगा। फिर 1999 देखते हैं, सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र या अधिनिर्णय की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड इसको कहते हैं पॉपुलरली, इसकी घोषणा की गई थी 8 अगस्त 1932 को। इसके तहत जो है अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम, दलित, सबको अलग अलग जो है चुनाव क्षेत्र आवंटित करने की बात की गई थी कि सबका जो है चुनाव क्षेत्र अलग कर दिया जाएगा। और जो ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड, इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, उसमें महात्मा गांधी भी गए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गए थे, बाकी अन्य कांग्रेस के और सब तरह के प्रतिनिधि गए थे। तो कांग्रेस ने तो इसका विरोध किया था कि जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है कोई भी क्षेत्र का विभाजन या चुनाव ना कराया जाए भारत में, और लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने वहाँ पर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की गई थी। तो जैसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ, उसके बाद रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है ये देखा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विफल हो चुका है, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से ही सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा कर दी भारतीयों को बांटने के लिए। फिर जब इसमें दलितों का प्राविधान आया तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो है पूना में समझौता हुआ था, जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया कि पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, ये भी 1932 की घटना है। फिर ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, तो एक देववाद पर आधारित है, ब्रह्म समाज एक देववाद पर आधारित है। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1928 को राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। सॉरी थोड़ा यहाँ इस पे लिखने में गलती हो गई, ये 1828 है, 1928 नहीं है। तो ब्रह्म समाज की अगर स्थापना की डेट है तो 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, और ये एक देववाद या एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? तो एक लाहौर षड्यंत्र बहुत फेमस हुआ था, लाहौर षड्यंत्र केस जो है, तो उसमें जतिन दास को बंदी बना लिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था बिहार में, तत्कालीन बिहार में, तो उस समय इनके सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जिसकी 2017 में जो है 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही इस वर्ष जो है, और चंपारण सत्याग्रह के लेकर जो है बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं। असहयोग आंदोलन के समय वकालत छोड़ी थी, तो असहयोग आंदोलन 1920 में जब गांधी जी द्वारा किया गया था, उस समय चितरंजन दास जी द्वारा अपनी वकालत छोड़कर गांधी जी के साथ जो है वो इसमें कूद पड़े थे। और इनके अलावा भी कई लोग थे, जैसे चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, त्री प्रकाशम, आसफ अली, इन सब ने भी अपनी वकालत जो छोड़ दी थी, और सरकार के विरोध में आकर इन्होंने असहयोग आंदोलन में जो है प्रतिभाग किया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे।
गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, तो इसमें एनी बेसेंट 33वां जो अधिवेशन हुआ था 1917 का कलकत्ता में, उसकी अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कब हुआ था अधिवेशन? 1917 में 33वां अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में, उसकी अध्यक्ष बनी थी। फिर देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर जैसा ही रिपीट है, तो केवल एक बार इसको पढ़ देते हैं। हिंदू समाचार पत्र का संपादन किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया ये दादा भाई नरोजी द्वारा निकाला गया था, और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी या एसएन बनर्जी द्वारा जो है ये समाचार का संपादन किया था। तो भूख हड़ताल से जेल में मृत्यु हुई, तो भूख हड़ताल से जतिन दास की मृत्यु हुई थी। अभी ये क्वेश्चन ऊपर आया था कि लाहौर षड्यंत्र केस, तो लाहौर षड्यंत्र केस में जो है जतिन दास को जेल में डाल दिया गया था, और इन्होंने जेल में अमानवीय व्यवहार और कुछ मूल अधिकार जो जेल के कैदियों को मिलना चाहिए उसको लेकर इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, और इनकी भूख हड़ताल 63 दिनों तक चली थी, जिसको अंग्रेज़ों ने तोड़वाने का बहुत ही प्रयास किया था लेकिन वो नहीं कर पाए थे, और 63 दिन बाद भूख हड़ताल के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सबसे लंबी भूख हड़ताल का भी रिकॉर्ड है ये 63 दिन का। फिर कथन और कारण का क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ने भारत को 1947 में आज़ाद कर दिया था, और ब्रिटेन दूसरे विश्वयुद्ध में दुर्बल हो गया था, तो ये दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत को 47 में आज़ाद कर दिया था, हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे, सत्य है। फिर ब्रिटेन दूसरे विश्वयुद्ध में बुरी तरह से पराजित होकर दुर्बल हो गया था, ये भी सत्य है, लेकिन इसको व्याख्या को सही नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि दूसरे युद्ध की पराजय की वजह से या दुर्बल हो जाने की वजह से ब्रिटेन ने भारत को आज़ादी नहीं दी थी, बल्कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना के कारण जो इतना दबाव जन जन आंदोलनों का पड़ गया था, उसके कारण जो है ब्रिटेन को भारत को आज़ादी सौंपनी पड़ी थी, इसका विश्व युद्ध से का प्रत्यक्ष कोई प्रभाव नहीं था। फिर एक पागलपंती विद्रोह हुआ था, ये कोलियों द्वारा चलाया गया था, कोली जो है वहाँ पर बंगाल में एक जनजाति होती है, तो इसके नेता जो है करण शाह थे, करण शाह जो है पागलपंती विद्रोह का नेता था, और ये कोलियों द्वारा चलाया गया था। फिर फराजी विद्रोह 1838 से 1857 तक, मतलब आज़ादी या स्वतंत्रता संघर्ष जो प्रथम स्वाधीनता संघर्ष है उसके ठीक पहले तक 1857 की क्रांति तक ये चला फराजी विद्रोह। इसका जो प्रमुख नेता थे वो दद्दू मियाँ थे, और फराजी विद्रोह जो है वो फरीदपुर में एक संप्रदाय था उसको सरीतुल्ला, तो सरीतुल्ला के विचारों से प्रभावित होकर फराजी विद्रोह, उनका पूरा नाम सरातुल्ला फराजी नाम था, तो उसी के नाम से सरातुल्ला फराजी के नाम से ही फराजी विद्रोह नाम पड़ा था, और उनका पुत्र जो था दद्दू मियाँ उसके द्वारा इसको प्रमुख रूप से नेतृत्व दिया गया था। इसी तरह से पागलपंती विद्रोह जो ऊपर है इसमें करण शाह के बाद उसके पुत्र जो है टीपू ने जो है उसको आगे बढ़ाया था, तो दोनों नाम कभी पूछे जा सकते, करण शाह या टीपू, तो दोनों पागलपंती विद्रोह के नेतृत्व में गिने जाएंगे। इसी तरह फराजी विद्रोह में अगर सरीतुल्ला का नाम आता है या दद्दू मियाँ का नाम आता है, तो दोनों ही जो है दोनों में से एक जो भी होगा उसको आपको सही कर देना है। फिर गडकरी विद्रोह जो है ये कोल्हापुर महाराष्ट्र की एक जनजाति है गडकरी, ये कोल्हापुर में इसका केंद्र था, और ये 1844 में महाराष्ट्र में चलाया गया था गडकरी विद्रोह। तो आज के वीडियो में बस हम ये 5 साल हमारे पूरे हो गए हैं 95 से 99, अब हम नेक्स्ट जो है 2000 से आगे तक का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप इसको एक दो बार अगर रिपीट करके देख लेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन जो है इसमें से गलत नहीं होगा। जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये बोरिंग नहीं है और इसमें तथ्य जो है आसानी से याद रहते हैं, भूलते नहीं हैं। बस एक बार अगर आपने थोड़ा सा उसको कायदे से देख लिया और याद कर लिया तो कभी भी भूलेगा नहीं, और एग्ज़ाम का ये मेजर पार्ट होता है हिस्ट्री से। तो आज का आपको कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, इसका सेकेंड पार्ट में। धन्यवाद।